सो हेलो गरिमा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। अपार्ट फ्रॉम दिस शो ऑब्वियसली बहुत बड़ा रियलिटी शो चल रहा है, तो बिग बॉस में क्या ख्याल है, मतलब हु आर यू सपोर्टिंग? मैं सपोर्ट एक्चुअली कर रही हूँ अपने बहुत अच्छे फ्रेंड करणवीर मेहरा को, जो कि बहुत अच्छा खेल रहा है। एंड पर्सनली आई लव हिज वन लाइनर्स, मतलब जो देता है, बेटा जब तुम महली में थे तब हम थैली में थे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। But he's entertaining, so I just like him that way. Okay. And if you मतलब करणवीर की अगर कोई qualities होगी जो आपको पसंद है, apart from one liners, what is it कि मतलब वो उसको succeed करने में help कर रहा है? I think वो emotional है as a person, but at the same time he's also very very strong mentally. मतलब आई रिमेंबर कुछ कमेंट आया था उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कि तुम दो बीवियों को नहीं संभाल पाए, बट उसने जो डिमीनर काम एंड कंपोज रखा, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रियली कमेंडेबल। एंड पलट के किसी और को भी वो कर सकता था पर्सनल कमेंट, मतलब मैं होती तो शायद आई डोंट नो, मीन वो सिचुएशन खैर अलग होती, बट या तो मैं एकदम काम कंपोज रहती उसी की तरह, या फिर मैं भी पलट के फिर ईंट का पत्थर नहीं जवाब पत्थर से देती और फिर मैं बोलती कि भाई बहन तुमने भी कलर्स के शो करे, सारे लीड्स करे और काफ़ी सालों से काम करे, उसके बावजूद तुम कलर्स के लाडली नहीं बनी, तो क्यों नहीं बनी? ओके, सो सिंस आपने कहा कि आपके दोस्त हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके साथ कोई ऐसा मोमेंट है जो आपको याद है, एनी मोमेंट यू वुड लाइक टू शेयर विद करणवीर? नॉट रियली, बट आई मीन आई हैव अदर फ्रेंड्स ऑल्सो इन द शो के, yeah, but nothing like ऐसे कुछ as nothing like I don't know how to explain. Okay. So if you would go inside the show, आप किसके साथ सबसे ज़्यादा जेलअप करोगे अपार्ट फ्रॉम करणवीर? हंगामा करना होगा तो किसके साथ? हंगामा करना होगा तो आई थिंक चाहत पांडे, वो और विवियन मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं। ओके, सो लास्टली आपको अगर किसी रियलिटी शो के लिए अप्रोच किया जाए, विच रियलिटी शो वुड यू लाइक टू डू? सो मुझे अप्रोच तो काफ़ी बार किया हुआ है बिग बॉस के लिए, हर बार, इवन दिस सीज़न अभी मेरे पीछे पड़ेगी, वाइल्ड कार्ड में भी आ जाओ, बट आई एम वेरी लॉयल एज अ पर्सन टू द शो, तो मैं शो छोड़ के तो कहीं नहीं जाऊँगी। शो नहीं करते तो जाते? हाँ शायद चले जाते, क्योंकि इसके पहले जब जब भी आया ना, मैं मेंटली रेडी नहीं थी कि मुझे पता नहीं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बट जब से इस शो में आई हूँ ना, तब से सब लोग मेरे पीछे पड़ गए, प्लीज़ जाओ, पता नहीं ऐसा क्या देख रहे लग रहा होगा कि एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी हो तो जाओ, बट ठीक है, जब ये शो ख़त्म हो जाएगा और उस दौरान अगर मेरे हाथ में कुछ शो नहीं रहेगा, आई डेफिनेटली गो। ऑलराइट, सो लास्टली अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे कि आगे आलिया से क्या और साइको पना एक्सपेक्ट करना चाहिए? बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ साइकोनेस में अपना आलिया पता नहीं क्या क्या करेगी, अपना हाथ काट चुकी है, चक्कर खा के गिर चुकी है, इन्हीं सीढ़ियों से गिर चुकी है, अपने व्हील चेयर से कूद चुकी है, अब तो मतलब अब कुआं खाई से ही गिरना बाकी है, और क्या कुछ बचा नहीं है ना आलिया, नहीं भी बहुत कुछ अभी करने को तो बहुत, अरे अभी दीवार से भी सर फोड़ना है, अपना हाथ काटा है, नस काट के खून से अपना आयुष्मान का नाम लिखा है, मतलब ये हरकतें जो मेरे साथ पर्सनली क्लास 10th में हुई थी, एक लड़के ने की थी मेरे लिए, अपना हाथ वाथ काट के मेरा नाम वाम लिख लिया था, टैटू बना दिया था, ये सब हरकतें मुझे अब रियल लाइफ में करनी पड़ रही है, इंस्पिरेशन तो वही था। ओके, एक और चीज़ थी, जैसे मतलब हम ऑन स्क्रीन बॉन्ड तो आपका देखते ही है सबके साथ कैसा है, बट ऑफ स्क्रीन अगर आपको बॉन्ड अपना एक्सप्लेन करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा बाकी भी कास्ट के साथ, सो हाउ वाज इट? दिस इज़ वन शो जहाँ पर मेरे सारे को एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लाइक लेजिट आई मीन इट, मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं कि हाँ सीखे कैमरे के सामने हाँ बोल देते हैं, बट यहाँ पर जनरली सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब लोगों के साथ मेरा बॉन्ड बहुत ही अच्छा है, so I just love being here and being with my co-actors. All right, thank you so much for your time.